अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के न्यू वीडियो में। और सुबह सुबह का टाइम है और मुझे ना भूख लग रही थी। मैंने कहा अभी मैं नाश्ता नहीं करती, पहले ना मैं ग्रेपफ्रूट काट लेती हूँ और साथ ही अम्मी को मैंने सोचा कि मैं ग्रेपफ्रूट काट दूँ, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। और साथ ही अबू ने ना मालिक को बुलवाया हुआ था, यहाँ से हम पौधा निकलवा रहे हैं। और यहाँ पर अबू ने कहा मैं लगवाऊँगा बेल, हालाँकि यहाँ पर दो ऑलरेडी बेल्स लगी हुई हैं। हमने तो मना किया है कि अब्बू आप बेल ना लगवाओ, क्योंकि पहली दो बेल लगी हुई हैं। अब अब्बू की मर्ज़ी चलनी है, देखते हैं क्या होता है। वहाँ से बहरहाल पौधा तो अब्बू ने निकलवा दिया है। और यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं आलू गोभी, और साथ ही मैंने कहा था आज नून नहीं है तो आप कुछ बना लो, लेकिन फिर आज आलू गोभी बन रही है। कल करेले गोश्त बना था, उससे पहले आलू बैंगन बने थे। बस अब सर्दियां आ गई तो यही सब्जियां बनती रहनी हैं, और तो कुछ होना नहीं है। या फिर यही होगा सुबह के नाश्ते में हमें आलू के पराठे मिल जाएंगे। खैर पराठे तो खाए जाते हैं, हर कोई बहुत शौक से खाते हैं आलू के पराठे। A few moments later. और आज हमने सोचा कि हम ना अपने पौधों की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं। पहले तो हमने अम्मी को हमने कहा कि आप पौधों पे पानी डाल दो, और कुछ गमले थे जिन्हें हमने कहा यहाँ से निकाल के ना अंदर रख दो ताकि यहाँ पे जगह बन जाए। अब एक ये जो आगे वाला फ्लैजल वाला पौधा है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। इसके छोटे छोटे पत्ते मुझे अच्छे लगते हैं और इसकी शेप भी अच्छी जा रही है। तो मैंने कहा इसे आप टीवी लाउंज में रख दो। और जो पाम वाला है ना, कंगी पाम पत्नी अम्मी से क्या कहती हैं, वो वाला आप वेंटिलेशन में रख दो, क्योंकि वेंटिलेशन का दरवाज़ा। तो ये वाला पौधा हम लोगों ने यहाँ पे रखवा दिया। और मैंने मम्मी को कहा कि इसका जो स्टील का कैन होता है ना, वो मंगवा लें, उसके अंदर रखें, ताकि अगर पानी भी डालें तो सारा मिट्टी वगैरह ना हो, यहाँ से ना निकले। और ये अभी पौधों पे पानी डालें तो कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन, मुझे बड़ा ही पसंद आ रहा है ये पौधा तो। और ये कंगी पाम वाला ना हम लोगों ने वेंटिलेशन में रखवा दिया, क्योंकि वेंटिलेशन का दरवाज़ा हर वक्त खुला होता है, तो यूँ खाली अच्छी जगह नहीं लगती। तो यहाँ पे अब ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और साथ ही हमें ना आलू गोभी ना पानी के अंदर भिगो के रख दी थी कुछ देर के लिए, क्योंकि गोभी जो होती है उस पर स्प्रे किया होता है, तो इसलिए हम उसे थोड़ी देर रख देते हैं ताकि जो भी स्प्रे वगैरह वो ख़त्म हो जाए। और इसे छान के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो इसका पानी है ना वो निचड़ जाए, और फिर हम जल्दी से फटाफट से खाना बनाएंगे। और मैंने आज इन्हें कहा कि ये समोसे बना लें, चाय के साथ खाएँगे। और पानी वगैरह नहीं चढ़ गया था तो गैस भी आ चुकी थी, तो हमने कहा आज जल्दी से खाना बना लेते हैं। और घर में इतनी खामोशी है, पहले ये होता था कि नूर 5 बजे आ जाएगी, लेकिन नूर का तो ट्रिप गया हुआ है, वो भी मुल्तान, और मैं नहीं गई जैसे कि मेरा इरादा था, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया था जाने से। और यहाँ पे अभी अम्मी खाना बना रही है, इसकी रेसिपी हमने आपको पहली वीडियो में दी हुई है। आपको अगर पूरी रेसिपी चाहिए हो तो आप दूसरी वीडियो में हमारी देख सकते हैं। A few moments later. और जैसे मैंने कहा था कि आज हम समोसे बनाएंगे, चाय के साथ खाएंगे, तो अभी हम लोगों ने कटिंग वगैरह कर ली थी। चिकन को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, और जो सारी सब्जियां थी ना वो हम लोगों ने काट ली थी। और इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाला नहीं डलेगा, आप रोल की पट्टियां बाज़ार से लें, इजीली मिल सक जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं एक दर्जन में। तो अबू रमज़ान में लाए थे तो हमारे पास पट्टियां पड़ी थी, तो हमने कहा हम बना लेते हैं। बस ऑयल में ज़ीरा डालें और फिर प्याज डालिए, उसे हल्का सा सॉफ्ट किया, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपने वेजिटेबल्स डालनी हो उसे आहिस्ता आहिस्ता सौते कर लें, जैसे कि आपकी मर्ज़ी के आप जितनी मर्ज़ी सब्ज़ियाँ डालें उसके अंदर, गाजर डालें, मटर डालें, जो भी डालें। हम यहाँ पे चिकन, शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज ये डाली है हम लोगों ने, तीन चीज़ें डाली हैं। और मसालों में लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और गरम मसाला डाले, और साथ में सिरका डाला है, और इसे फ्राई कर लिया हल्का सा। और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो बस हम समोसों की के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे।
सारी वीडियो आपके साथ मैं इसकी शेयर करूँगी। और फोल्डिंग भी इसकी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, शापी को मुश्किल लग रहा था लेकिन मैंने कहा कि मैं इजीली फोल्डिंग कर लूँगी। और यहाँ पर मैं इसकी शेप बनाने लगी हूँ। आपने ट्रायंगल की शेप में इसको 3 दफ़ा फोल्ड करना है और अंदर से फिर इसका एक होल बन जाएगा। और आपने जो भी इस मटेरियल बनाया होगा समोसे की फिलिंग करने के लिए आपने वो डालना है। और लास्ट में जो ऊपर इसकी जगह बचेगी हल्का सा, वहाँ पे अंडे से या फिर आप मैदे की लेप बना के इसे चिपका लीजिएगा ताकि जो ये बंद हो जाए। और इसमें मैं अपनी जो मैंने फिलिंग बनाई थी वो कर रही हूँ। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ही ने मैदे की फिलिंग बनाई थी तो मैं वही लगा रही हूँ। और सारे समोसे मैंने बना लिए थे तो अब मैं थक गई थी, तो साथ ही मैं वाइट गई थी तो मैं ये पापड़ ले आई थी बंटी। और सामने है आज मिला मतलब ओट्स वगैरह है ले, तो वहाँ पे वो प्लाट बंद था लेकिन उन्होंने काफ़ी सेटिंग करके ना वहाँ पे वो ओट्स कर रहे हैं, लाइटिंग वगैरह लगा रहे हैं, तो बार बार वो कह रहे हैं पर्दा कर रहे हैं। हालाँकि क्योंकि उन्होंने ऊपर छत पर चढ़ना होता है ना तो फिर साफ नज़र आते हैं। और यहाँ से वो बादल भी आए हुए हैं, आज काफ़ी ठंड है। तो आज का व्लॉग फिर हम अपना यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।